हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मेरा नाम है दीपांश जोशी, आपका दोस्त वापस आ गया आपको एक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। और आज मैं जो प्रॉपर्टी दिखाने के लिए आया हूँ, ये है बहुत बजट फ्री प्रॉपर्टी। अगर आप शादी करने के लिए, शादी के पर्पज से कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो पुष्कर के अंदर, स्पेशली पुष्कर के लोगों के लिए है, अजमेर के लोगों के लिए है, किशनगढ़, ब्यावर, जो आसपास के लोग हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है। बाकी अगर आप कहीं भी हो और अगर आप प्रॉपर्टी अच्छी लगे तो रहना चाहते हो तो आप वैसे भी आ सकते हो, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आप खाली शादी के पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ आप नहीं आ पाओगे। तो आज जो मैं आपको वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ मैं शादी के पर्पज से वेडिंग के लिए अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए और बजट फ्री प्रॉपर्टी चाहिए और अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, अच्छे रूम्स होने चाहिए, तो मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। स्वागत है आपका फिर से मेरे वीडियो के अंदर। चलिए हम चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो जगह मैं खड़ा हूँ, इस होटल का नाम है आदित्य होटल, आदित्य पहले से होटल का नाम है। और यहाँ पे हमको मिलते हैं 22 रूम प्रॉपर्टी के अंदर, दो गार्डन मिलते हैं, एक पूल मिलता है और सारी चीज़ें अभी थोड़ी बताऊँगा। थोड़ा सा वीडियो को आगे तक देखिए, सबसे पहले अपन रूम देखने चलते हैं। तो मैं आपको पहले इसका रूम दिखाता हूँ जो डिलक्स रूम है। डिलक्स रूम कैसा लगता है आप आइए मेरे साथ। तो इस तरह कुछ आपको रूम देखने को मिलता है डिलक्स वाला, आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशियस रूम आपको देखने को मिल जाता है, साफ सुथरा रूम आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको टीवी कैबिनेट देखने को मिल जाता है और जैसे कि साथ में आपको एक बैल्कनी नहीं मिलेगी लेकिन एक टफन ग्लास के थ्रू आपको पूरा अपना गार्डन देखने को मिलता है। तो मैं भी आपको पूरा गार्डन और वो सब चीज़ें वापस दिखाऊंगा पूरी अच्छे तरीके से। पर पहले आप रूम देख लीजिए, ये आपको बेड आपका देखने को मिल जाता है, बहुत ही स्पेशियस बेड आपको मिलता है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इसका वॉशरूम कैसा है। तो कुछ इस तरीके का आपको वॉशरूम देखने को मिलता है, सारी बहुत साफ सुथरा वॉशरूम और बिल्कुल न्यूली मेड अभी वॉशरूम है ये। और मतलब वॉशरूम न्यूली मेड क्या, पूरा प्रॉपर्टी ही न्यूली मेड है, पूरी प्रॉपर्टी भी न्यू बनी है। तो आइए मैं आपको इसका दूसरा रूम दिखाने लेके चलता हूँ कि किस तरीके का आपको दूसरा रूम इसका देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है भाई और मैं आपको बता दूँ कितने की आपको ये प्रॉपर्टी पड़ती है। तो मिनिमम आपको इसके अंदर जो बढ़ेगी प्रॉपर्टी 3.5 लाख रुपये के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी दे देंगे। और देखो नेगोशिएबल सब चीज़ें होती है, आप आओगे रेफरेंस दोगे मेरा तो आपको थोड़ा बहुत कंसेशन भी मिलेगा, थोड़ा नेगोशिएट भी कर पाओगे आप। और वैसे भी नेगोशिएट तो करना देखो आपका धर्म है, मेरा भी है, मैं बता रहा हूँ आप भी कर लेना, मेरा तो पर्पस है बताना। देखो मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ, चलिए मैं आपको इसका दूसरा रूम दिखाता हूँ। और ये स्वीट रूम है, इसको दिखाने से पहले दो चीज़ें बताता हूँ, ये ब्राइड और ग्रूम के रूम है भाई जो अब दिखाऊंगा। तो अब वो कौन सा रूम लेती है या लेता है वो उन पर डिपेंड करता है, मेरा पर्पस दिखाना है, मेरे से मत पूछना कमेंट के अंदर। अच्छा लगे तो ज़रूर बताना कमेंट के अंदर कि कैसा लगा आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आइए तो ये आपको स्वीट रूम देखने को मिलता है, देखिए कितना स्पेशियस रूम आपको देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन, अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। दोनों सेम रूम, डिलक्स वाला भी आपको जो स्पेस देखने को मिलेगी दोनों सेम, लेकिन इस तरीके कुछ थोड़ा और ऐसा तरीके से, जैसे बेड आप देखोगे तो कुछ अलग तरीके का इन्होंने बेड बना रखा है। साथ में आपको चेयर मिल जाती है, दो बैठने सिटिंग के हिसाब से आपको चेयर मिल जाती है। और इसके बाद जो आपको चीज़ मिलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट पीछे भी आपको एक और गार्डन देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का गार्डन देखने को मिलता है। सामने आपको ऊपर देखोगे तो वहाँ पे सावित्री टेम्पल आपको देखने को मिलता है और इतना स्पेशियस आपको गार्डन देखने को मिलता है। आइए वापस से मैं दिखाता हूँ आपको इसका वॉशरूम आपको कैसे देखने को मिलता है, कि वॉशरूम किस तरीके का। तो कुछ इस तरीके का आपको वॉशरूम देखने को मिलता है, बहुत ही स्पेशियस, साफ सुथरा, अच्छा वॉशरूम आपको देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों ये दो रूम आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप देखो अकेले ऐसे पर्पज रहने आ रहे हो या घूमने आ रहे हो दोस्तों के साथ आ रहे हो तो भी प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, कि आप खाली अगर अपने दोस्तों के साथ आ रहे हो और आप 10-15 जने हो, करनी है प्रॉपर्टी बुक, दो रूम चाहिए, पूल पार्टी करनी है, मजे करने हैं, तो सबसे प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो। वो मैं आपको लास्ट के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी सबको चीज़ें मिल जाएगी तो आप वो चीज़ भी देख सकते हो। फिलहाल अपन तीसरे रूम की तरफ चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके का आपको रूम देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ इस तरीके का रूम देखने, वही सेम स्पेस है, यहाँ पर आपको सोफा सेट देखने को मिल जाता है। एक चीज़ और मिलती है, उससे पहले आप वॉशरूम देखिए कि वॉशरूम किस तरीके का आपको वॉशरूम देखने को मिलेगा, बहुत ही साफ सुथरा, अच्छा स्पेशियस वॉशरूम। सबसे बड़ी बात है कि वॉशरूम है ना वो सारे स्पेशियस है, अच्छे वॉशरूम है। इधर आपको सामने टीवी कैबिनेट देखने को मिल जाता है और इस रूम का एक ही सबसे अच्छी चीज़ है इसकी बैल्कनी। आइए बैल्कनी दिखाता हूँ आपको किस तरीके की बैल्कनी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको जिस तरीके का बैल्कनी देखने को मिलती है, इतनी बड़ी आपको बैल्कनी देखने को मिलती है, देखिए कितना स्पेस आपको देखने को मिलता है। अगर 8-10 जने भी हो ना तो भी भाई यहाँ पे बैठ के आप फुल पार्टी मचा सकते हो और फुल पार्टी करो, मजे करो। अगर आपको ऐसे लगे उस साइड पूल भी है, अभी आपको पूल भी दिखाऊंगा, पर फिलहाल यहाँ से आपको पूरा एक्सेस मिल जाता है अपने गार्डन को देखने का। आप पूरा गार्डन एरिया यहाँ से देख सकते हो, पूरा एक्सेस कर सकते हो और पूरी प्रॉपर्टी मतलब आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ बाकी प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें, वो सारी विजिट करवाता हूँ प्रॉपर्टी की। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं प्रॉपर्टी के जस्ट बाहर और अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्टी बाहर से क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको यहाँ पार्किंग की स्पेस मिल जाती है, आप एंड पॉइंट तक देख रहे हो वहाँ पे पार्किंग की स्पेस है, इनकी प्रॉपर्टी है सारी।
तो चलिए अपन प्रॉपर्टी के अंदर चलते हैं आप, और प्रॉपर्टी के अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ हमको इस प्रॉपर्टी में देखने को मिलती है और क्या क्या फैसिलिटीज़, जैसे पूल हो गया, गार्डन हो गया, कितना बड़ा है पूल है, कैसा है पूल है, वो सब चीज़ें मैं दिखाता हूँ। आइए, तो आदित्य पैलेस का ये आपको मेन गेट देखने को मिल जाता है, चलिए अंदर चलते हैं। आ जाइए दोस्तों, इस तरफ आपको गार्डन देखने को मिलता है, आप गार्डन देख सकते हैं, बहुत ही स्पेशल गार्डन देखने को मिलता है। जो मैंने आपको रूम दिखाया था वो ऊपर वाला रूम है, वहाँ से आपको एक्सेस मिल जाता है। अभी मैं आपको गार्डन दिखा रहा हूँ दोस्तों, चलिए मैं आपको इसका बैंक्वेट हॉल दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको इसके एंट्रेंस दिखाई, आपको ही मेरे साइड में पूरा प्रॉपर्टी का जो गार्डन है वो देखने को मिल रहा है। इस प्रॉपर्टी में 3.5 लाख के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 3.5 लाख रुपए के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा। 2 दिन के लिए ये पूरी प्रॉपर्टी, 22 रूम हो गए, गार्डन हो गया, एक गार्डन इधर है, एक गार्डन पीछे साइड है। अभी मैं आपको पीछे वाला साइड वाला गार्डन दिखाऊंगा, जो मैंने आपको रूम से दिखाया था वो गार्डन आपको मिल जाता है। ये मिल जाता है हलवाई के लिए अलग से एक जगह मिल जाती है आपको, उसका जो एक्सेस है वो भी अलग है, यहाँ से एंट्रेंस नहीं है हलवाई की। उसके अलावा आपको बैंक्वेट हॉल मिल जाता है आपको। चलो मैं पहले बैंक्वेट हॉल दिखाता हूँ, फिर आगे की मैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो एक बार आ जाइए बैंक्वेट हॉल देख के अपन। तो कुछ इस तरीके का आपको बैंक्वेट हॉल देखने को मिलता है। अभी मेरी आवाज़ यहाँ पे बहुत गूंजेगी, खाली पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं कि आराम से अगर 200-300 जनों का अगर आपको करना है पार्टी पर्पज़, कुछ भी कराना है छोटा मोटा, तो आप करवा सकते हैं। आइए वापस से, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 3.5 लाख में और क्या क्या आपको मिल सकता है। तो अभी तक जितनी मैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर गया हूँ, तो वहाँ पे कोई भी है ना इवेंट से रिलेटेड बात नहीं करता। इवेंट का क्या बोलते हैं कि जैसे अलग आपको अलग से ही करवाना पड़ेगा प्रॉपर्टी में, या आपको अलग से ही इवेंट करवाना पड़ेगा। 3.5 लाख में इस प्रॉपर्टी में आपको हल्दी का फंक्शन पूरा, आपका हल्दी सेटअप हो जाएगा, आपका मेहंदी का सेटअप हो जाएगा, आपका स्टेज सेटअप हो जाएगा, आपका डीजे सेटअप हो जाएगा, वो इस 3.5 लाख में इंक्लूड है भाई। कहीं पर भी नहीं मैंने सुना अभी तक कि आपको वो इवेंट का पूरा इंक्लूड करके दे रहे हों, इवेंट आपको करके दे रहे हों, आपके जो भी चेयरें होती है, गद्दे हो गए, जो एक्सपाइजी जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारा इनका खुद का पर्सनल काम है, इनका खुद का इवेंट मैनेजमेंट का काम है। तो आप सारा सब कुछ आपको यहाँ ही मिल जाएगा, आपको अलग किसी पर्पज़ किसी से दूसरे से कराने नहीं पड़ेगा, आपको सस्ता भी पड़ेगा। इससे बेटर मेरे हिसाब से बजट के अंदर वेडिंग के लिए जगह विद इवेंट के साथ मेरे को तो नहीं लगता है नहीं मिलती। अगर आपको कहीं बाहर से भी कराना है तो करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक जगह बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ये चीज़ की एक फैसिलिटी मिल जाती है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी गार्डन दिखा देता हूँ, दूसरा वाला कि गार्डन कैसा, और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा पूल कि पूल किस तरीके का है। फिलहाल अपन लास्ट वाला गार्डन देखने चलते हैं कि लास्ट वाले गार्डन अपन को कैसा मिल जाता है और कितना बड़ा अपन को गार्डन मिल जाता है। आइए, तो दोस्तों इतना बड़ा कुछ आपको गार्डन देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। देखिए भाई, दोस्त लोग हो ना, शादी के लिए नहीं आ रहे हो तो मस्त क्रिकेट खेलो यहाँ पर आके, बहुत मज़ा आएगा। मेरे को तो मतलब खुद को देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी सा, बहुत मतलब पीस बहुत है यार इधर, मतलब शांति बहुत है चारों तरफ। देखो आपको पेड़ देखने को मिल जाएंगे, और इस तरफ आपको अगर जैसे मतलब जो वेडिंग के लिए आते हैं उनके लिए हलवाई के लिए पूरा पोर्शन ये अलग से है, और जस्ट ही गेट आपको जो देखने को मिल रहा है मेरे पीछे, यही गेट से एंट्री है हलवाई की। तो वो आपको एक्सेस आगे से नहीं देगा उनको, मतलब उनको एक्सेस आगे से नहीं होगा, आपको यहीं से एक्सेस मिलता है। चलिए आपको मैं लास्ट में पूल दिखा देता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं आपको बताने वाला था कि अगर जैसे आप 15-20 जने और आपको पूल पार्टी करनी है, तो वही आप आ सकते हो पूल पार्टी के लिए। 7-8 हज़ार के अंदर आपको पूल पार्टी का भी मामला हो जाएगा यहाँ पे, बढ़िया आप कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इनके नंबर दूंगा, बीरबल भैया हैं जो यहाँ के ओनर हैं, उनके मैं नंबर दे दूंगा आपको, आप उनको कॉल कर लीजिएगा और उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। और शादी के लिए आपको बुक करनी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से आइए, मिलिए, मीटिंग कीजिए, नेगोशिएट कीजिए। 3.5 लाख में भी कुछ ना कुछ कम तो कर ही देंगे यार, थोड़ा बहुत बात करोगे तो कर देंगे। देखो थोड़ा बहुत तो होता ही है यार सब जगह, 3.5 लाख रुपए बोले हैं लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही है। तो आओगे तो होगा, फ़ोन ही नहीं करोगे, बात ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो थोड़ा सा मैंने दिखा दिया, मेरा पर्पज़ मैंने सॉल्व कर दिया भाई, आपको प्रॉपर्टी बता दी। अब फ़ोन करना ना करना तो आप लोगों के ऊपर होता है इतना। अब फ़ोन भी मैं आपकी तरफ से तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो फिलहाल चलते हैं, मैं आपको पूल दिखाता हूँ। तो दोस्तों आइए, अब मैं आपको इसका पूल का एरिया दिखाता हूँ, पूल कैसा है। तो चलिए मेरे साथ में, तो आइए देखिए इस तरीके कुछ आपको पूल का एरिया देखने को मिलता है। इतनी बड़ी स्पेस आपको पूल की देखने को मिल जाती है, और भाई आराम से ना, अगर आप जैसे मैंने बताया था 15-20 जने भी होना तो आराम से पार्टी कर सकते हो। यहाँ पे सेपरेट एरिया आपको देखने को मिलता है चारों तरफ, आप देख सकते हो कि उस जगह कोई भी हो, कोई भी आपके कोई फैमिली भी हो, फैमिली पार्टी करनी हो तो फैमिली पार्टी भी कर सकते हो। नॉट मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ लड़के लड़के हो, लड़कियाँ भी हों तो पार्टी कर सकती हैं, फैमिली आ सकती है, फैमिली पार्टी हो सकती है आराम से। रूम्स आपने देख लिए हैं, पूल आपने देख लिया है, रेस्टोरेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है, रेस्टोरेंट आराम से खाना पीना आप सब कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके कुछ आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ प्रॉपर्टी में आपको क्या क्या मिलता है, गार्डन कैसा था, रूम्स कैसे हैं, पूल में क्या क्या मिला, क्या क्या हो सकता है, कितनी बजट फ्री प्रॉपर्टी है, प्राइस क्या थी, सब चीज़ें मैंने आपको बताई। और अगर आपको वीडियो सही में पसंद आई हो और लगा हो कि हाँ यार कोई जेन्युइन चीज़ मैंने आपको बताई है, कोई चीज़ से आपको मतलब
किसी को भी फायदा हो सकता है या फायदा हुआ हो, आज देखो कल देखो कभी भी कोई वीडियो देख रहा है और उसको कोई फायदा हुआ हो, इस प्रॉपर्टी पर आगे लगाओ कि हाँ यार जेन्युइन चीज़ आपने बताई थी, जो रेट आपने बोली थी, जो प्राइस आपने बोली थी, सामने वाले ने उसी चीज़ पर हमको कोटेशन दिया, जो भी करी। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी वीडियोज़ मैं आपको ला के दे सकूँ और ऐसी प्रॉपर्टीज़ मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो जैसे मैंने बोलता हूँ कि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, एक लाइक भी आता है ना तो मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और जो भी आपके मतलब वेडिंग के रिलेटेड आना चाह रहे हों उन सबके साथ भेजिए, और भाई सबको भेज दो, आपको लगता है ना अगर अच्छी है तो भाई सबको भेज दीजिएगा, अच्छी लगेगी तो लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, और नहीं भी करोगे तो यार देखो मेरे को तो वीडियो बनानी है, मैं तो बनाता ही रहूँगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अगर आपने पूरी लास्ट तक वीडियो देखी तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।